your Hellcat. पार्ट टू के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो योना को देखते हुए एक क्रीम बना रहा होता है, यानी कि चॉकलेट मिल्क बना रहा होता है, जिसमें वो किसी एक में ज़्यादा क्रीम रखता है तो एक में कम। फिर वो योना और उसके फ्रेंड के पास जाके वही क्रीम उन्हें देता है, और कोई योना के पास तो काफ़ी ज़्यादा क्रीम होती है और उसकी फ्रेंड के पास कम, तो वो उससे कंप्लेन करती है कि भाई मेरे में इतने कम क्यों है। तो वो उसे कहते हैं अरे तुम आजकल डाइटिंग पे हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। तो उसका फ्रेंड काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो ये मेरा थोड़ा ध्यान रखता है। कहते हुए हमारी योना की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो वो बंदा उसे पलट के देखता है कि तुम ब्लाइंड डेट पे गई थी, तुम क्यों गई थी, कब गई थी, कैसे गई थी। तो योना उसे कहती है भाई मैं तुम्हें क्यों बताऊँगी अगर मैं जाऊँगी तो। जहाँ वो योना के सामने उसके एक्स की बातें करने लगता है तो योना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। योना की फ्रेंड सुलही उसे कहती है, इस लड़के का नाम होता है जेसन, जेसन से कहती है कि जब तुम योना को पसंद करते हो तो तुम उसे परेशान क्यों करते हो। तो वो कहता है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। फिर हम गॉब्लिन और गॉब्लिन क्वीन को देखते हैं जो किसी लड़की को ताड़ रहे होते हैं, और गॉब्लिन को गॉब्लिन क्वीन कहती है कि ये तुम्हारी थर्ड केस है, यानी कि तुम्हारा थर्ड शिकार जिससे तुम्हें फीलिंग्स मिलने वाली हैं। और गॉब्लिन से कहती हैं कि गॉब्लिन को ढूंढने के लिए ओझा उसे आने वाला होगा, क्योंकि जब भी गॉब्लिन किसी को किस करता है उसके अंदर से गॉब्लिन पावर्स निकलती हैं जिसको सूंघ के हमारा ओझा है गॉब्लिन के पास आ सकता है गॉब्लिन को मारने के लिए। तो जब भी गॉब्लिन किसी को किस करे तो फौरन ही वहाँ से भाग जाए, जिससे गॉब्लिन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे ज़्यादा पकाओ मत। तो उसके बाद से नाराज़ होकर गॉब्लिन को इन्होंने कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आज जो तुम फीलिंग सीखने वाले हो उसे हैंडल करना आसान नहीं होगा, और वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। गॉब्लिन अंदर बैठी लड़की के पास जाता है और उसके सामने ये फोटो रखी देखता है, जिससे वो उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो लड़की उसे बताती है नहीं ये मेरा एक्स है। तो गॉब्लिन उससे पूछता है अगर ये तुम्हारा एक्स है तो तुमने उसकी फ़ोटो वहाँ क्यों रख रखी है। तो वो लड़की बताती है इसकी 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो भी हमारे शादी के 1 हफ्ते पहले, जिसके बाद उनके गॉब्लिन को काफ़ी बुरा लगता है। और वो लड़की गॉब्लिन को ये भी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी मिस भी करती है, काश वो उससे एक बार मिल सकता। जिसके बाद गॉब्लिन काफ़ी उदास होता है और वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम उसके बॉयफ्रेंड को उसकी क्लिनिक में आते हुए देखते हैं, जहाँ जिसमें देख के वो बिल्कुल शॉक होती है कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है और उसे हक करती है, और उसे ये भी कहती है कि अब वो उसे कहीं छोड़ के ना जाए। इसके बाद वो उसका बॉयफ्रेंड और वो किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़की के मुँह से एक एनर्जी बाहर निकल रही है और वो उसके बॉयफ्रेंड के मुँह पर जा रही है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बाहर आता है तो हम देख सकते हैं कि वो बॉयफ्रेंड नहीं वो एक गॉब्लिन था, यानी कि वो हमारा वाला गॉब्लिन था। क्लिनिक से बाहर आने के बाद गॉब्लिन के सीने में अचानक से एक दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ हम योना को देखते हैं जो अपने कॉलेज में अपने एक्स से मिलती है, और उसके एक्स के पास उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो उसका एक्स से कोई बहाना बना देता है और वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है, जिसे देख के हमारी योना को काफ़ी बुरा भी लगता है। योना अपने कॉलेज से बाहर आके काफ़ी रोती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन भी वहीं आ रहा होता है रोते हुए। वो दोनों आमने सामने मिलते हैं और योना गॉब्लिन से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो गॉब्लिन उसे कहता है पता नहीं पर मेरा रोने का बड़ा मन कर रहा है। फिर हम दोनों के एक उनके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे वो उससे पूछते हैं बताओ तुम क्यों उदास हो। तो गॉब्लिन उसे कहता है क्या इस फीलिंग को उदास कहते हैं। तो वो कहती है हाँ तुम उदास हो तभी तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तभी तो तुम रो रहे हो। तो वो उसे कहता है अच्छा ये उदास फीलिंग ऐसे होती है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हमारी योना उससे कहती है तुम फिर से गॉब्लिन की तरह एक्टिंग करना बंद कर दो ठीक है ना। इतने में उनके पास एक बंदा आता है और हमारे गॉब्लिन से कहता है क्या तुम मानसिक हो। गॉब्लिन उसे कहते हैं हाँ मैं मानसिक हूँ लेकिन आप कौन। तो वो कहता है मैं तुम्हारी स्मेल सूंघ के यहाँ आया हूँ। तो इतने गॉब्लिन खड़ा होकर उससे कहता है ओझा तुम ओझा हो, जिस पे हमारा ओझा काफ़ी हंसता है और गॉब्लिन का गला पकड़ लेता है। योना उसे बचाने के लिए आगे आती है पर गॉब्लिन योना का हाथ पकड़ के वहाँ से गायब हो जाता है। योना और गॉब्लिन वहाँ से भागते हैं ओझा से बचने के लिए, और ओझा भी उनका पीछा करता है। भागम भागम में हमारी योना के हाथ में चोट लगती है तो गॉब्लिन उस पर दवा लगाता है। योना उससे कहती है क्या तुम सच में गॉब्लिन हो। तो वो कहता है हाँ मैं सच में हूँ, लेकिन योना इस बात पर कुछ विश्वास नहीं करती और उसे लगता है वो एक सपना दिख रही है। तो वो सपने से बाहर निकलने के लिए उसे किस करती है, लेकिन किस करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो वो बहुत एम्बेरस होती है क्या ये सच है, और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है हमारी गॉब्लिन के सामने। जब वो गॉब्लिन से कहती है कि अच्छा तो ये सब सच है तो वो आदमी कौन था।
और तुमने मुझे कहा था कि तुमने 10 लोगों को किस करना है, तो तुमने अभी तक कितने लोगों को किस किया? तो वो जो बताता है, हाँ वो ओझा था जो हम गोविंद को मारना चाहता है, और मैंने 10 में से अभी तक 3 लोगों को किस किया है। तो योना उसे कहते हैं, क्या हम 10 में से एक मैं भी हूँ? तो गोविंद कहता है, नहीं, हम सिर्फ उनको ही किस करते हैं जिन्हें हमारी क्वीन गोविंद कहती है। वो कहती है, अच्छा। अगले दिन योना नींद से उठती है और अपनी बैंडेज को देख के रोने लगती है कि वो सब सच था। गोविंद क्वीन गोविंद को बताता है कि वो कल ओझा से मिला था। तो क्वीन गोविंद कहती है, तो तुम फाइनली उससे मिल गए? तो गोविंद उसे पूछता है कि ओझा हम सबको मारने को चाहता है। तो क्वीन गोविंद उसे बताती है कि हम गोविंद भी पहले इंसान थे, पर कुछ लोगों ने हमारा दिल इस तरीके से तोड़ा, इस तरीके से उसे ज़ख्म दिया कि हमारा दिल ज़मीन पर गिर गया, और तब से हम गोविंद बन गए। तो इंसान तब से हमसे डरते हैं कि हम उनसे बदला लेने आएंगे और हमको दुनिया में आने ना दें, और हम लोगों के पास भटकने ना देने के लिए कुछ लोग आए जिन्होंने हमें गोविंद को मारना शुरू किया। वही लोग ओझा हैं। ओझा की वजह से ही आज तक कोई भी गोविंद इंसान नहीं बन पाया। तो गोविंद उसे कहता है, कोई नहीं बन पाया, कि आपने भी इससे पहले इंसान बनने की कोशिश की थी? जिस पर क्वीन गोविंद उसे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ क्वीन गोविंद से कोई कुछ कह रहा होता है कि तुमने 9 बार तो मैं तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन इस 10वीं बार मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। और इसके साथ ही एक हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अगर पिछली बार किसकी वजह से हमारी योना गोविंद से काफ़ी हिचकिचा रही होती है, उससे काफ़ी बच रही होती है, लेकिन फिर भी उन दोनों की मुलाकात तब भी हमारे उनके रेस्टोरेंट में हो ही जाती है। सुल ही जेसन को टिप देती है कि वो कैसे योना को अपना बना सकता है जहाँ पे वो बिल्कुल बकवास बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा होता है। तो योना उसे एक हिंट देती है, एग्जांपल देती है कि अगर तुम्हें टैक्सी चाहिए और तुम स्टैंड पे खड़े हो तो टैक्सी तुम्हारे लिए अचानक नहीं रुकेगी, तुम्हें अपना हाथ हिला के टैक्सी को रोकना पड़ेगा। जिससे वो कहता है, अच्छा तो मैं फिर जा रहा हूँ। तो वो सुल ही उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमारा जेसन उसे कहता है, अपनी टैक्सी लेने। जिससे वो हंसती है। जेसन पहुंच जाता है योना के रेस्टोरेंट में योना को लेने के लिए, जहाँ योना उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जेसन उसे कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो योना उसे कहती है, भाई तूने कहीं पीपा तो नहीं रखी ना, तू इतनी अजीब हरकत आज पहली बार क्यों कर रहा है? तो वो उसे कहता है, अरे हम दो दोस्त हैं, तो मैं घर छोड़ने तक का काम तो कर ही सकता हूँ। जिस पर योना उसके साथ घर जाने के लिए मान जाती है। वो लोग रास्ते में होते हैं जहाँ दोनों के बीच गोविंद की कुछ छोटी मोटी सी बातें होती है, जहाँ जेसन योना से कहता है कि मैं तुम्हें अब रोज़ाना लेने आऊँगा। तो योना उसे कहती है, क्यों? तो जेसन उसे कहता है, क्योंकि मुझे अपनी टैक्सी पकड़नी है। तो योना आसपास देख के कहती है, लेकिन तुम्हें इतनी रात में कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वो कहता है, योना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहती है, हाँ हाँ बोलो। तो वो कहता है, मैं तुमसे और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, एंड ऑल्सो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, और हाथों हाथ चैनल की बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।